चीन और भारत के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हुई है। घटना 9 दिसंबर 2022 की है, जहां अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने भारत के साथ हिंसक झड़प की है। बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 15 जून 2020 को भी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और बाकी घायल हो गए थे। इस झड़प में चीन के कई सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हिंसक झड़प के पीछे की वजह क्या है? चीन आखिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या दावा करते रहता है, समझते हैं इस वीडियो में। भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है। इस सीमा में ऐसे कई क्षेत्र आते हैं जिससे लेकर दोनों पक्षों के बीच में अक्सर भिड़ंत होते रहती है। 2006 से ही संघर्ष की खबरें लगातार आ रही हैं। बता दें कि एलएसी एरिया में पेट्रोलिंग करते समय भारतीय और चीनी सैनिकों का अक्सर आमना सामना होता रहता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे चिंता पैदा करते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानता है। उसकी नजरों में पूरा अरुणाचल प्रदेश ही चीन का हिस्सा है। खैर, दुनिया के मानचित्र में ये बात साफ है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और पूरी दुनिया भी इसे मानती है। लेकिन चीन आखिर ऐसा क्यों नहीं मानता, इसके पीछे की वजह क्या है, इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा खंगालना होगा, जिसे हम पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। 1912 तक भारत और तिब्बत के बीच में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। उन इलाकों में ना मुगलों का राज रहा, ना ही ब्रिटेन का। लेकिन जब अरुणाचल के तवांग में बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा को निर्धारित करने का फैसला लिया गया, जिसे लेकर भारत, अंग्रेज, तिब्बत और चीन के अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक में ये साफ कह दिया गया कि अरुणाचल का तवांग और दक्षिणी हिस्सा भारत का ही हिस्सा माना जाएगा। तब तिब्बत की तरफ से भी उस फैसले को स्वीकार किया गया था, लेकिन चीन के अधिकारी इस समझौते से सहमत नहीं थे और वो बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे। और तब से ही चीन की नजर तिब्बत पर थी, वो अरुणाचल को भी अपने हिस्से में लाना चाहता था। फिर साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर सहमति बनी, जिसमें साफ कहा गया कि तिब्बत के लोगों की अपनी अलग स्वतंत्र पहचान रहेगी, चीन कभी भी तिब्बत की राजनीतिक प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके कुछ सालों तक ये विवाद ठंडा पड़ा रहा, लेकिन साल 1962 में हुए युद्ध में चीन ने भारत को हरा दिया, जिस वजह से एक बार फिर वो अरुणाचल के तवांग तक पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन परिस्थितियां उस समय उसके अनुकूल नहीं थी, जिस वजह से चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और तवांग इलाके में भारत की उपस्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो गई। बावजूद इसके समय समय पर चीन की बदनीयती अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिखते रहती है। इसे लेकर सरकार को विपक्ष ने भी घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के सवाल सरकार की तरफ उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने इसे लेकर बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान जारी किया है कि चीन को भारत की एक इंच पर भी वो कब्जा नहीं करने देंगे। तमाम ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहिए डीएनए हिंदी।